अल्हम्दुलिल्लाह भारतीय राष्ट्रीय समिति की जानिब से यानी तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम के अर्दिल अजीज और शहीदी पार्टी बीआरएस पार्टी का कल यानी 20 जुलाई के दिन जल विहार में अखिलियती इजलास है, जिसमें खास करके तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और बीआरएस के दौरे इख्तदार में अखिलियतों को सदर नशीद के अहदे पर नामजद जिन्हें किया गया उनका फेलिसिटेशन प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में तेलंगाना के तमाम अजलाओं से अखिलियती कायदीन वहाँ पर मौजूद रहेंगे और वहाँ पर हमारे अर्दिल अजीज रियासत के 4 करोड़ आवाम के दिलों की धड़कन यानि नौजवान हरकियाती कायद कलवकुंडला तारकारा मारा साहब खुद यानी केटीआर साहब खुद वहाँ खुद हाजिर रहेंगे। उनके अलावा हमारे हेल्थ मिनिस्टर अर्दिल अजीज कायद टी हरीश राव साहब भी वहाँ पर रहेंगे और हमारे वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब भी वहाँ रहेंगे और तमाम मुख्तलिफ शोबे जात मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ बोर्ड्स के चेयरमैन भी वहाँ आएंगे और वहाँ पर अकलियतों के मसले पर कलवकुंडला तारकारा मारा साहब बात करेंगे, हरीश राव साहब भी बात करेंगे और अकलियतों के तय में जो भी ऐलान है वो भी करेंगे। मैं तमाम अकलियती कायदीन से गुजारिश करता हूँ कि कल 20 जुलाई के दिन 10:30 बजे यानी जुमेरात के दिन जल विहार पर निकलस रोड पर आप हाजिर रहें और अकलियती कायदीन इस इजलास में शिरकत करें। यहाँ पर मैं ये समझूँगा कि तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम के दिलों की धड़कन भारतीय राष्ट्रीय समिति का जो अकलियती इजलास है उसमें अकलियती उमूर पर भी बात होगी, अकलियतों के मसले पर भी बात होगी और आने वाले इलेक्शन पर भी इंशाल्लाह इंतखाबात पर भी बात होगी। मैं तमाम मेरे पार्टी के सीनियर कायदीन और मुख्तलिफ शोबे जात में काम करने वाले पार्टी के कायदीन को खुद पार्टी की हाई कमान ने मदू किया है, मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ वक्त पाकर भी बस शरीकों और अजलास को कामयाब करें और मेरी दुआ है कि आने वाले 20 सालों तक हमारी इस अर्दिल अजीज जमात भारतीय राष्ट्रीय समिति को अल्लाह ताला तेलंगाना में इख्तदार दे और कलवकुंडला चंद्रशेखर राव साहब को तीसरी मरतबा हैट्रिक के साथ इस रियासत के वज़ीर आला पर कायम रहें और आने वाले 2024 में इंशाअल्लाह हमारी रियासत के वज़ीर आला कलवकुंडला चंद्रशेखर राव साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। ये हमारा अज़म और ये हमारी यानी दुआ है कि अल्लाह उनको मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएं और आने वाले इंशाअल्लाह दिनों में हमारे हरकियाती नौजवान कायद भी इस रियासत के यानी कलवकुंडला तारकारा मारा साहब रियासत के चीफ मिनिस्टर बन गए। मैं मुख्तलिफ जो कायदीन हैं जो मुख्तलिफ शोबे जात में जो चेयरमैन बने हैं मैं तमाम को मुबारकबाद देता हूं और उनके फेलिसिटेशन प्रोग्राम को इंशाल्लाह हम जोश व खरोश के साथ मनाएंगे और पार्टी की जानिब से वहां पर लंच का भी इंतज़ाम है। मैं तमाम कायदीन से अपील करता हूं कि वक्त पाबंदी शिरकत करें और भारतीय राष्ट्रीय समिति को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ें और आने वाले इंतखाबात तक और 20 सालों तक हम इस रियासत में कलवकुंडला चंद्रशेखर राव साहब के हाथ मजबूत करेंगे, न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क के कोने कोने में मुल्क की दीगर रियासतों में भी इंशाल्लाह हम हमारी पार्टी को इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब करेंगे। मैं तमाम आवाम से ख्वाहिश करता हूँ जो भी बीआरएस पार्टी को चाहते हैं उसे गुजारिश है दरबंदन अपील है कि आप